नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक खुशी की खबर थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ बांट लूं। जिन लोगों का 2016 TGT PGT का साक्षात्कार लंबित था, ऐसी सूचना आ रही है कि चयन बोर्ड में लंबित साक्षात्कार की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। आइए देख लेते हैं ये क्या न्यूज़ है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता तथा प्रशिक्षित स्नातक यानी PGT TGT की लंबित साक्षात्कार शुरू होने का ऐलान जल्द हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने गुरुवार को TGT 2016 गृह विज्ञान का अंतिम परिणाम घोषित करके इस संबंध में संकेत दिए हैं। चयन बोर्ड में पूर्व घोषित साक्षात्कार 5 अप्रैल तक चलने थे, लेकिन 20 अप्रैल को अगले आदेश तक स्थगित कर दिए गए थे। अब लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। चयन बोर्ड में प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2016 के साक्षात्कार लंबित है। इसकी लिखित परीक्षा फरवरी व मार्च 2019 में कराई गई थी। कई विषयों का इंटरव्यू पूरा होने के बाद परिणाम घोषित हो चुके हैं, जबकि कुछ विषयों का इंटरव्यू कार्यक्रम अभी घोषित होना बाकी है। बोर्ड की ओर से पहले 19 मार्च को और फिर 21 मई को रिजल्ट जारी किए गए हैं। अप्रैल माह में ही चयन बोर्ड के कुछ सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा था। शासन ने उन सभी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इससे साक्षात्कार एवं शिक्षक चयन का रास्ता खुल गया है। लॉकडाउन खत्म होने और आवागमन शुरू होते ही इंटरव्यू की नई तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। ठीक है, जीव विज्ञान विषय की परीक्षा लंबित है, ये भी देख लेते हैं। चयन बोर्ड ने TGT 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा अभी नहीं कराई है। इससे पहले ये विषय में ये पाठ्यक्रम ना होने से इम्तहान नहीं कराया गया था। शासन के हस्तक्षेप पर बोर्ड ने परीक्षा कराने का वादा कर चुका है। कहा जा रहा है कि स्थितियां सामान्य होने पर ये इम्तहान कराया जा सकता है। इसके लिए प्रदेश भर में 67,000 से अधिक आवेदक हैं और परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, परीक्षा कराना एक बड़ी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना होता है, जो इस समय में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत रिस्की है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ढील मिलती है और आवागमन के साधन सुलभ होंगे, है ना, ऐसे में पहले इंटरव्यू करा लिया जाएगा, साक्षात्कार कराने में उतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लोग ही साक्षात्कार के लिए पहुँचेंगे। अभी इसलिए नहीं कराया जा सकता है क्योंकि बाहर से आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पहुँचने में दिक्कत होगी, क्योंकि आवागमन ही पूरा बंद पड़ा है। पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सरकार खोल रही है, इससे ये जल्दी ही आशा की जा सकती है कि आप लोगों को जल्द साक्षात्कार में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हाँ, जिसका भी साक्षात्कार में जिसको भी सफलता मिलती है, कृपया सूचित करिएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। नमस्कार।